Can Real Madrid once again show their dominance in Spain that they show last season? क्या फिर से इस सीजन रियल मैड्रिड टॉप ऑफ द ला लीगा होगी एंड ला लीगा की चैंपियंस बन पाएगी या फिर ये बार्सिलोना का साल है फाइनली? तो hey guys, welcome back to my channel. And आज हम बात करेंगे यार कि what are the positives and negatives जो कि रियल मैड्रिड को चैंपियंस बनने से रोक सकते हैं एंड क्या रियल मैड्रिड फिर से दोहरा सकती है अपना पिछले साल का परफॉर्मेंस, सब पे बात करेंगे. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना. तो शुरुआत करते हैं वीडियो की. हम सबको पता है पिछले साल रियल मैड्रिड वर द अंडरडॉग्स क्लियरली इन द ला लीगा एंड इन द चैंपियंस लीग. देन कार्लो एंचेलोटी अराइव्ड. स्टिल कई लोगों ने सवाल उठाए थे कार्लो एंचेलोटी के ऊपर, क्या ये पुराना मैनेजर है, पुरानी टैक्टिक्स यूज करता है एंड इतने प्लेयर्स नहीं है अभी रियाल के पास कि वो ला लीगा जीत सकते हैं. बट देन कार्लो एंचेलोटी ने अपनी आईब्रो ऊपर खड़ी करी एंड जो उन्होंने मैजिक करा पूरे सीजन में हमने सबने देखा, कमबैक्स पे कमबैक्स करे रियल मैड्रिड ने एंड दे वेंट ऑन टू विन द ला लीगा प्लस चैंपियंस लीग. एंड हम सब ने देखी थी उनकी वो चैंपियंस लीग की रन, पीएसजी, चेल्सी, लिवरपूल, सिटी, कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी महारथियों को हराया यूरोप की एंड दे वेंट ऑन टू विन अनदर चैंपियंस लीग. बट इट्स न्यू सीजन, इट्स सेम ओल्ड मैनेजर एंड सेम ओल्ड प्लेयर्स. ठीक है चुआमेनी, रूडीगर इंक्लूजन हो चुके हैं रियल मैड्रिड में, बट दिस सीजन विल बी टफ फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज बार्सिलोना की जैसी ट्रांसफर विंडो गई है, वी कैन ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम चावी एंड हिज बॉयज के अच्छी तरह जेलअप होंगे वो जल्दी ही एंड अब अच्छे से कॉम्बिनेशन बिठाएंगे चावी बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ. एंड जो इतनी हाई प्रोफाइल उन्होंने साइनिंग्स करी है, राफीनिया, लेवेंडोस्की, कैसी, क्रिस्टेंसन, वो डिलीवर करेगी परफॉर्मेंसेज एंड जिसका हमें इम्पैक्ट दिखेगा ला लीगा के ऊपर. नॉट ओनली विद बार्सिलोना, रियल मैड्रिड के भी कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अपने कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करेंगे. कार्लो एंचेलोटी उनको कैसे फिट करेंगे रियल मैड्रिड में वो देखने वाली बात है. बट यस यार, पिछले साल किसी ने रियल मैड्रिड को चांस नहीं दिया था, इस साल सब दे रहे हैं रियल मैड्रिड को चांस, बट उनके इतनी बात नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो प्लेयर्स साइन करे हैं, चुआमेनी और रूडीगर. बट वो क्यों करे दो से ज्यादा प्लेयर्स साइन जब उनको जरूरत नहीं है? लोगों का ऐसा कहना है कि उनको जरूरत नहीं है दो से ज्यादा साइनिंग्स की, इसलिए उन्होंने करी नहीं ज्यादा साइनिंग्स एंड इसलिए उनकी ज्यादा बातचीत भी नहीं हो रही इस ट्रांसफर विंडो में. बट आई पर्सनली थिंक, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि कहीं ना कहीं अगर सपोज करो कि बेंजिमा मिड ऑफ द सीजन में इंजर्ड हो जाते हैं या विनीशियस या रॉड्रिगो इतनी अच्छी तरह इस सीजन नहीं चल पाते हैं, तो व्हाट आर द अटैकिंग ऑप्शंस? आप ईडन हजार्ड के ऊपर ट्रस्ट करोगे या आप मैरियानो के ऊपर ट्रस्ट करोगे? वो प्लेयर्स जो पिछले दो तीन साल में इतने जिनको मिनट्स ही नहीं मिले. हम सबको पता है ईडन हजार्ड की क्या इंजरी इश्यूज रहे हैं ओवर द कोर्स जब से वो रियल मैड्रिड में आए हैं. तो क्या आप नहीं साइन करना चाहते कोई अटैकर या कोई विंगर? रॉड्रिगो, विनीशियस, वी नो बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है उनके अंदर, बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका, बट कैन दे गिव अनदर गुड सीजन जैसे उन्होंने पिछले साल दिया? क्या हम इतनी यंग जनरेशन से, इतने यंग प्लेयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वो सीजन में जहां पे रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा मैचेस खेलेगी, जितने भी यूरोप के बड़े क्लब्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मैचेस इस बार रियल मैड्रिड खेलेगी क्योंकि ऑब्वियसली सुपर कप खेलना है उन्होंने, क्लब वर्ल्ड कप खेलना है. तो क्या ऐसे सीजन में यंगस्टर्स हमारे को परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर पाएंगे? इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क ऑन कार्लो एंचेलोटी एंड टू द मैनेजमेंट ऑफ द रियल मैड्रिड. बातें चल रही हैं सेस्को को लाने की, टीमो वर्नर को लाने की, बट असेंसियो पे भी अगर हम बात करें तो असेंसियो भी इतने ज्यादा प्रूवन गोल स्कोरर एंड इतनी उनकी वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि वो आपको पूरे सीजन में 10-15 गोल्स भी निकाल के दे. प्लस मार्को असेंसियो के साथ थोड़े इंजरी इश्यूज भी हम सबको पता है थोड़े बहुत रहते हैं. तो क्या अटैकिंग ऑप्शंस इतने कम होने के बाद भी ला लीगा के लिए चैलेंज कर पाएगी रियल मैड्रिड? आई थिंक तब तक ही चैलेंज कर पाएगी जब तक विनीशियस एंड बेंजिमा ऑलमोस्ट हर गेम में स्टार्ट करते रहेंगे, तब तक एक चांस रहेगा रियल मैड्रिड का. वी ऑल नो विद ड्यू रिस्पेक्ट
कि जो मिडफील्ड है इस वक्त रियाल की, इट्स वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इन द हिस्ट्री एंड इन द रीसेंट सीजंस जो रियाल मैड्रिड ने अपनी डिफेंस लाइन पे एंड मिड में काम करा है, उन्होंने अपना फ्यूचर बना दिया है चुआमेनी जैसे प्लेयर्स को ला के, रूडीगर जैसे प्लेयर्स को ला के, डेविड अलाबा है आपके पास केसीएम तो है ही ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस लाते हैं, क्रूज कैसेमिरो मॉड्रिच, बट सारे जो मसले हैं वो सारे के सारे हैं अटैकिंग ऑप्शंस में कि क्या बेंजिमा फिर से वैसा सीजन निकाल पाएंगे जैसे कि उन्होंने पिछले साल निकाला। अगर कहीं उनके डिप ऑफ द फॉर्म आया तो क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं? आपके पास ऑल्टरनेटिव्स एज सच अटैकिंग ऑप्शंस में नहीं है, बट अगर आपको ला लीगा जीतनी है तो आपको गोल्स स्कोर करने पड़ेंगे। हम सब ने देखा था कि एक मैच में जब बेंजिमा नहीं थे कल तो एल क्लासिको में कितना गलत हुआ था रियल मैड्रिड के साथ, वो भी उनके अपने होम सैंटियागो बर्नेबाउ पे। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कार्लो एंचेलोटी पे भी नजरें होंगी इस साल, क्योंकि अगर वो इस सीजन बढ़िया नहीं कर पाए रियाल के साथ तो हो सकता है लैटरल स्टेजेस में वो सैक हो जाएंगे। यस, इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट कार्लो एंचेलोटी कैन बी सैक्ड जब 5-10 मैच डेज रह जाए रियाल मैड्रिड के, या फिर एट द एंड ऑफ द सीजन, क्योंकि इस सीजन आपने साइनिंग सिर्फ दो करी हैं एंड अगर आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, ऑफ कोर्स इट्स अ वर्ल्ड कप ईयर, वो भी टेंशन होगी सब प्लेयर्स के ऊपर, फटीग एक मेजर रोल प्ले करेगी इस टाइम रियल मैड्रिड के ऊपर इस सीजन में। सबसे ज्यादा फटीग आई थिंक रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को ही देखनी पड़ेगी, तो कैसे मैन मैनेजमेंट करते हैं कार्लो एंचेलोटी वो देखने वाली बात होगी, बट आई विल गिव 50-50 चांसेस टू बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। बार्सिलोना की जैसी टीम चावी ने बना दी है, आई एम अफ्रेड ऑफ दैट टीम। अगर मैं रियल मैड्रिड का प्लेयर हूँ तो मैं एक ऐसी बार्सिलोना को नहीं फेस करना चाहूंगा जिसके पास इतना बढ़िया कोच हो। ऑब्वियसली यस, ही इज अ यंग कोच, बट ही इज अ ट्रमेंडस अपकमिंग फ्यूचर कोच। एंड जो उन्होंने रिक्रूटमेंट्स करी है अपनी टीम के अंदर, लेवेंडोव्स्की, डेम्बेले, जो उनके अटैकिंग ऑप्शंस हैं, डेप्थ है बार्सिलोना के अगेंस्ट, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं ऐसी टीम को फेस करूं। बट यस, रियल मैड्रिड आर द किंग्स ऑफ यूरोप, किंग्स ऑफ कमबैक्स, वी ऑल नो उन्होंने पिछले साल क्या करा था। तो देखने वाली बात होगी यार कि कैसे कार्लो एंचेलोटी अपनी टीम को फिट रखते हैं, एंड 50-50 चांसेस आई एम प्रिडिक्टिंग दिस सीजन कैन गो ऑन ईदर साइड, इट कैन बी आइदर बार्सिलोना और इट कैन बी आइदर रियल मैड्रिड। तो देखने वाली बात होगी कि कौन जीतता है ला लीगा। आप क्या चाहते हो कि कौन जीते, रियल मैड्रिड या बार्सिलोना? अपनी जो प्रेडिक्शंस है वो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख देना। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट।